तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुख्तलिफ जो हमारी पार्टियाँ हैं जैसे TTI हो गई, तो इनको साथ आप शामिल करना चाह रहे हैं? हम क्या करना चाहेंगे, ये तो क्या धरा ही लोगों का है। TTI और NTMI का जो है इस्लाम का इस्लाम एक्सटेंड किया है, इस्लाम टाइम तक उन्होंने लागू कर दिया कराची सर। इससे पहले कभी नहीं होता था, पहले होता था 2 साल 4 साल 10 साल के लिए लागू करते थे। इसमें पहले नून लीग ने किया, फिर पार्टी ने किया, अब PTI ने किया। तो जो लोग इस जो लोग मुस्लिम हैं, जो लोग दुर्ग से शामिल हैं, उनको हम क्या शामिल करेंगे? उनको चाहिए पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या आपका वो है? कराची को तमाम बर्बाद करने वाली पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने ही मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलाया और कराची के साथ ये खेल खिलाए। आज आप देखें कि जो कुछ भी वो देती है खराब के नाम पे देती है। आज आवाज़ उठा रही पीपल्स पार्टी, अरे भैया तुमको कहते थे कि कराची ये धरती माँ है हमारी, धरती माँ के साथ क्या किया है आपने? आप आबादी की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी आबादी की बात तो करती है कि सिंध की आबादी पूरी नहीं की जाती, ये नहीं बताती कि कराची की भी गिनी जाती। तो भाई अंजुन सिंह की आबादी तो पूरी गिनते हैं लोग, असल में कराची की आबादी पूरी नहीं गिनी जाती। कराची की सही आबादी गिनने कराची की आबादी 81 में आ जाए, 81 में कराची की आबादी 98 लाख थी और उसको गिना गया 55 लाख। फिर 99 में कराची की आबादी 2 लाख थी, गिना गया 1 लाख। ये आज का जुर्म नहीं है, आज आबादी 3 करोड़ को गिनाया जाए, 1.5 करोड़। ये मुस्लिम सब साथ हैं, यही पार्टी नहीं है ना रिश्तेदार। असल में तो देखिए आज तो खतरा यह है कि अगर कराची की सही आबादी गिन दी तो सिंध पे अख्तियार कराची का हो जाएगा, कराची सीटें बढ़ जाएंगी। जब सीटें बढ़ेंगी हमारी तो अख्तियार गए, आपका फैसला कुल पोजिशन आपकी होगी। जो आज आपके सीटें लेके बैठे हैं आपकी 65 सीटें सूबे में हो जाएंगी। जो मेजर जो अक्सरियत होगी ये अक्सरियत देना नहीं चाहते आपको, अच्छे देंगे, फैसला आप करेंगे, फिर आप चलाएंगे, कराची चलाएगा। कराची के हवाले से, नौकरी के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी के हवाले से जो कोटा सिस्टम है वो क्या है? कोटा सिस्टम लागू किया गया था इसलिए कि जो गोट देहात हैं उनको ये पता, हमें जवाब ये दिया था कोटा सिस्टम जब लागू किया गया था कि जो गोट देहात हैं वो पता शहर जैसे हो जाए, उनको उनकी जो है उनको जिसके माँ बाप हैं मेरे जॉब के उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो क्या शहर जैसे होते हैं, इन्होंने कराची देहात बना दिया। टाइम लिमिट भी बढ़ा दिया, 5 साल भी लागू किया, फिर 5-10 साल और बढ़ा दिया। इमरान खान आए तो इन्होंने NPM के साथ मिल के राम तक लागू कर दिया इसको, क्योंकि एकदम जुर्म है यार। वो कराची प्रोडक्ट सिर्फ बनने के बाद गोल्ड बन गया है, गोल्ड का मंदिर पेश कर रहा है। अभी मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि PTI अकेले ही काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है PTI? बाकी हुकूमत में वफाक उसके हाथ में, PTI के हाथ में। अब जहाँ तस्वीर जहाँ काम हो रहा होता है वो खड़ी की तस्वीर बनवा लेती है। काम तो जो बजट मौजूद है उसके मुताबिक हो रहा है ना, जो दिया गया बजट वो इस्तेमाल हो रहा है। जो पार्टी खड़ी होती है कहीं MQ खड़ी होगी तस्वीर बनाती है कि हम काम कर रहे हैं, कि PTI खड़ी होगी तो देखा। अरे भाई यार अल्लाह की बजी हो, जब तुम आप पूरी बच जाती, जब तक तुम रोना रोते थे क्या वहाँ पर अख्तियार थी हम काम नहीं करा सकते, आज कैसे काम करवा रहे हो तुम? आज कहाँ से अख्तियार आ गए? ये एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो हो रहा है और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा खास काम भी नहीं हो रहा। कहीं कहीं कोई रोड डल रही है, कहीं कहीं कटर सेमिशा काम हो रहा है, तो उससे खड़ी जाती है। एक वर्ल्ड डैम का मनसूबा है जो थोड़ा बहुत चल रहा है, उससे खड़े होकर अपनी चौथा कर देंगे। हिंदू मनसूबे हैं जो बैन अवी मनसूबे हैं या कुछ उसके अंदर शेयरिंग पार्टी की है। ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, क्राइम के हवाले से क्राइम स्टेट इतनी बढ़ गई है और मनीषियात के हवाले से, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भत्ताखोरों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। क्राइम पहले ही बहुत थे, भत्ताखोरी पहले ही बहुत थी, क्राइम पहले ही बहुत थे, उसको कंट्रोल हो गया था, लेकिन अब नहीं सीधे भत्ताखोर सर उठा रहे हैं और क्राइम बढ़ रहे हैं। क्राइम बढ़ाने के लिए तो सब पता है, सारे बॉर्डर के पास थानों में मौजूद है कि कौन भत्ताखोर है, कौन क्राइम करते हैं, कौन क्राइम करते हैं। ये खुद करना चाहें अगर ये महकमा इदारे खुद करना चाहें तो कंट्रोल हो जाएगी, ये कंट्रोल करना चाहिए नहीं था। आज पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगाना शुरू कर दिए और चेकिंगें शुरू कर दी हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे जो IG साहब ने ऑर्डर निकाल दिया? क्या नहीं, IG साहब ने ऑर्डर निकाल दिए, ये ऑर्डर भी आवाम के लिए मसला बन जाते हैं। काम से बेचारा भुगतता है इस ऑर्डर को, पैसे जगह जगह रोकते हैं, उनसे पैसे ले लेंगे, क्या करेंगे? थोड़ी मेहनत ज़्यादा, पेट्रोलिंग ज़्यादा, पड़ जाते हैं। यही करेंगे, पेट्रोलिंग ज़्यादा।
से आज मैं मौजूद था यूसी भाई और ये करीम भाई हैं रामदास उम्मीदवार चेयरमैन है यहाँ के जमात इस्लामी के पीके प्रदीप जमाने आप कराची और शहीद भाई भी हैं उनके साथ मौजूद।